नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है ग्लोबल बायो इंडिया 2021। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मजबूती और यहां उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए 1 मार्च से 3 मार्च तक ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसकी इस बार थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ और इसकी टैगलाइन है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। ग्लोबल बायो 2021 के वेलेडिक्ट्री और अवार्ड सत्र में हिस्सा लेते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रौद्योगिकी कई औद्योगिक क्षेत्रों की रीढ़ के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से नए और उभरते रोगों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने अचानक और अप्रत्याशित महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता को और भी ज़्यादा प्रबल कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे ये यकीन है कि नई नीति के कार्रवाइयों से एक स्थायी जैव अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो ग्लोबल बायो इंडिया से भारत को उभरते नवाचार हब और दुनिया के लिए जैव विनिर्माण हब के रूप में पहचान मिलने का अनुमान है और इससे भारत का जैव प्रौद्योगिकी नवाचार इकोसिस्टम निवेश वैश्विक नेटवर्किंग और भागीदारी आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा। हम जानते हैं कि बीते कुछ दशकों में जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा है और सरकार 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था यानी कि बायो इकोनॉमी बनाने की दिशा में अथक कोशिशें लगातार कर रही है और जिसका परिणाम भी अब हमें दिख रहा है। तो आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की, जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था की और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती अपार संभावनाओं के साथ ही इसकी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे उनका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं, डीन हैं एकेडमिक्स एम्स जोधपुर, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर अमूल्य के पांडा हैं, निदेशक हैं आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कुलदीप मैं आपसे करना चाहूँगी और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2021। इससे पहले 2019 में इसको आयोजित किया गया था, इसके पहले संस्करण को, और इससे अपार सफलताएं मिली थी। इस दूसरे संस्करण से हम किस तरह के आउटकम की उम्मीद करें और आज उपराष्ट्रपति ने जैसा कि कहा कि जो जैव प्रौद्योगिक है वो कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में उसकी रीढ़ के रूप में उभर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जैव प्रौद्योगिकी में जितना हमारा योगदान रहा है और पिछले 20-30 वर्षों में इसमें लगातार प्रगति हो रही है। साथ ही कोविड-19 ने हमें चुनौती भी दी और इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी को, जैव प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया है। इस बढ़ावे के साथ हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस बढ़ावे के लिए हमने देखा कि हमारी वैक्सीन डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो गया है और जब हमने इसके कोविड के जो वायरस का सीक्वेंस भी कर लिया, यहाँ तक कि इसके नए नए तरीके जांच के हम लोगों ने डेवलप किए, तो इससे जो बढ़ावा मिला है जैव प्रौद्योगिकियों को वो हम अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करने लायक हो गए हैं। मतलब इस समय हमारी ऐसी स्थिति है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचे हैं, हमारी स्थिति भी मजबूत हो गई है। और जहाँ तक जैव प्रौद्योगिकी का विचार है कि हम लोग लैब तक सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब लैब से हम कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और हेल्थ सेक्टर के साथ इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे भारतवर्ष के इकोनॉमी पे। जी बिल्कुल, तो जो जैव इकोनॉमी है इसीलिए इसे कहा भी जा रहा है और इसे लेकर सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है। डॉक्टर पांडा मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जैसा कि सरकार का भी लक्ष्य है कि 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए और उसके लिए लगातार कोशिशें भी जारी हैं, इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं और इस दिशा में चल रहे प्रयासों को, कोशिशों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब से ये जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया 86 से, हमारी लगातार प्रगति हो रही है। आप देखेंगे 2018 में हमारी जो इकोनॉमी था 45 बिलियन डॉलर था, 2019 में 60 है और ये मानना है कि 2025 में 150 बिलियन डॉलर हो जाएगा।
आप देखोगे दूसरे प्रौद्योगिकी के हिसाब से ये जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है और ये जो रिसर्च है और जिंदगी का हर पहलू को छूता है, चाहे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में अगर 30-40 बिलियन डॉलर का हम बना सकते हैं तो बहुत आसानी से 150 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर सकते हैं। और जिस हिसाब से हमारी सरकार हमको प्रोत्साहन दे रहे, हमारी लैबोरेटरी और साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, मेरे को तो मैं तो 150 से 200 बिलियन डॉलर की आशा करके बैठा हूँ, क्योंकि इस पिछले एक साल में हम लोग ने दिखा दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बाद भी हमारी पास वो ताकत है कि हम अपनी वैक्सीन बना सकते हैं, बना नहीं सकते देश को दे सकते, दूसरे लोगों को फ्री में भी दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक साल के अंदर हमने अगर ये कर दिखाया तो पानी का प्रॉब्लम हो या वायु प्रदूषण हो या एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी हो, देखिए दूध बनाने में हम वर्ल्ड का नंबर 2 है। जब ये देश बना सकते हम कुछ भी बना सकते। और ये कोविड के बारे में हमको ये पता चला कि हमारी शक्ति बहुत है, सब एकजुट मिलके और गवर्नमेंट के सपोर्ट में किए। कोई सोचता था कि जब कोविड हुआ था, आप पता होगा 30 साल पहले जब ये महामारी 30-40 साल पहले जब महामारी हुआ था, किसी ने प्रेडिक्ट किया कि हिंदुस्तान की आधे आबादी 2000 तक मर जाएंगे क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके देखा है। सिमिलरली जब कोविड शुरू हुआ था जनवरी फरवरी में प्रेडिक्ट किया था कि हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है, लोग गरीब है, 2-3 करोड़ लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख लोग अभी गुजरे है, विच इज वेरी मिनिमल। बट हम लोग करके दिखाया कि ये जो पिछले 30 साल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो निरंतर काम कर रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कॉलेज डेवलपमेंट किया, 15 इंस्टीट्यूट बनाया और अपार फंडिंग किया, उसकी बदौलत हम लोग इंटरनेशनल स्तर में आ चुके। और मेरी मानना है ये वैक्सीन जो बनाए एक नहीं है, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, इंडस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, हर क्षेत्र में अगले 4-5 साल 10 साल में हम बहुत प्रगति करेंगे और देश की इकोनॉमी इसी के पर बैठा है, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है जिंदगी की हर पहलू को छूता है जी। जैसे मैंने पहले बताया, एग्रीकल्चर हो, पानी हो, एयर हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्री हो, सब में होता है। और जितने हम इसमें निवेश करेंगे इतना ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है, वो हर एक क्षेत्र को छूता है, उसे प्रभावित करता है और इस तरीके से जो इकॉनमी है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर कुलदीप, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जैसा कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है कि 2020 की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, उसमें जो भारत है वो 2020 में पहले पायदान पर आया है, 2014 में ये छठे पायदान पर था, साथ ही 48th उसकी रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में। तो ये जो माइलस्टोन है जो भारत लगातार अचीव कर रहा है, जाहिर तौर पे ये एक सुनहरे, खासकर अगर हम जैव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वैश्विक लेवल पर एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि भारत जिस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास कर रहा है, वो कौन सी ताकत है और इसके साथ ही वो कौन से इफ़ोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं लक्ष्य को हमें हासिल करवाने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जितनी प्रगति हुई है लास्ट 2-3 साल में, ऑल्दो पहले 20 साल में भी काफ़ी प्रगति कर रहा था भारत, बट जो 2-3 साल में प्रगति हुई है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये कहेंगे कि लीडरशिप है जो हमें एक मौका दे रही है कि सबको जुड़ने का। तो एक लीडरशिप है सभी एरिया में, जो 15 इंस्टीट्यूट बनाए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो अपने अपने एरिया में हुनर रखते हैं, अपने अपने उनके पास टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को एनकरेज किया गया और साथ ही साथ इन टैलेंट्स को हमने इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की। तो अब जो चीज़ पहले हम लोग इंडिपेंडेंट होके करते थे, अलग अलग लैब्स में करते थे, अब हम ज़्यादा हायर लेवल पे एक दूसरे से बातचीत करके बताते हैं और एक दूसरे की सहायता भी लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन एक और दूसरा फैक्टर है, लीडरशिप, इंटीग्रेशन, और तीसरा है कि अब हमारी जो जनता है वो भी समझने लगी है कि विज्ञान का हमारे ऊपर काफ़ी
प्रभाव है और विज्ञान के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। विज्ञान को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो हर लेवल से जो बिजनेस मैन हैं और जो बिजनेस साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो लोग भी इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हमारा है कि अब जैसे डॉक्टर पांडा ने बताया कि इतने सारे एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का दखल है, हम कहते हैं ना, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंट हो, या फिर फिशरी हो, या ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, इसमें सभी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस योगदान को हमने अब पहचान करके एक दूसरे से शामिल करना और इंटीग्रेट करना शुरू किया है। इससे हमें और हमारा जो जितना तेजी से गति से बढ़ रहा था वो गति काफी ज्यादा तीव्र हो गई है और अब उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और हम उसको यूज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ना केवल हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने उसको कमर्शलाइज लेवल पे भी, कमर्शियल लेवल पे ले जाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि हम लोग का जितना बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव है वो दूसरी कंट्रीज ने रियलाइज किया है, जैसे स्वीडन है, स्वीडन ने भी हम लोग के साथ हाथ मिलाया है और वो भी समझ रहे हैं कि भारत की ताकत इस एरिया में काफी ज्यादा है। उनकी कुछ टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट करके, और इसी तरह और बहुत सारी कंट्रीज हैं, देश हैं, वो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और इसकी वजह से हमारी जो बायो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और बायो इकोनॉमिक की ग्रोथ इसी से ज्यादा हो रही है, इसीलिए हम आगे मूव करके पहले पायदान पे पहुंच गए। जी बिल्कुल, और जैसा कि कहा आपकी, जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो दूसरे देश हैं, वो भारत की क्षमता को बखूबी समझ रहे हैं और आज पूरी दुनिया जो है वो भारत को कहीं ना कहीं फार्मा हब इंडस्ट्री के रूप में भी देख रही है। इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर पांडा के पास भी आना चाहूँगी, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का जिक्र करूँ कि स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रॉल्फ हैकनर ने भी ये कहा है कि भारत विश्व के सर्वाधिक नवोन्मेष देशों में से एक है और हमने देखा कि जिस तरीके से इस बार जो बजट में भी खासकर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जिस तरीके से मद आवंटित की गई है वो कहीं ना कहीं सरकार के इस विजन को भी दिखाती है कि वो इस क्षेत्र के लिए कितनी गंभीर है और कितनी तेजी से कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टर पांडा, इसे लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तो बाहर देश की जो प्रतिक्रिया आ रहे हो बड़े अच्छे संकेत देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगी ये पिछले 6-7 साल में जो जो लोग शोधन करते थे, जो लोग एकेडमिशियन है और वो जो इंडस्ट्री है वो लिंक बहुत जोर से बढ़ गया है। जैसे डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो बायराक है वो पूरे इंडस्ट्री को फंड करते हैं। और देखिए, हम लोग इसलिए वैक्सीन बना पाए क्योंकि जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड का हर तीसरा वैक्सीन सेरम इंस्टीट्यूट से बनता है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये कोई की क्वालिटी वाला नहीं है, ये कोई पेन प्लास्टिक नहीं है। एक वैक्सीन जो एक स्वस्थ आदमी को दिया जाता है, हमारे पास वो क्षमता है कि हम पूरे दुनिया को बना के दे सकते हैं। और ये जो बायराक ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया पिछले 10 साल में, ये इतने तेजी से बढ़ रहे, सारे ये स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइज को प्रमोट कर रहे हैं, एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप प्रमोट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे पायदान में हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर हो या हेल्थ केयर हो या इंडस्ट्री हो या मेडिसिन हो या वाटर ट्रीटमेंट हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहे हैं और बहुत सारे साधन भी प्रस्तुत हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो सक्सेस मिल रहा है हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की, इसके कारण तीन, एक तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का जो डिपार्टमेंट है उसने पिछले 20-25 साल से बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इनफैक्ट मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ आई हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं से कमी नहीं है। इस तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटी, आईआईटी, नाइपर, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। दूसरा चीज जो पूरे ताकतवर मैन पावर बनाया, शिक्षा देके लोगों को समझाया और लोगों को स्किल बनाया, और ऊपर से जो विजन है कि देश के लिए करना है और देश के लिए करके देश में देना है, ये तीनों चीज इतने तेजी से इसका प्रभाव पड़ रहा है कि मेरे को लगता है पिछले आने वाले दिन में ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी पूरे क्षेत्र में देश को बहुत आगे ले जाएगा और पूरे हमारी इकोनॉमी में कुछ उसकी प्रभाव पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि पूरे जीडीपी में उसकी इफेक्ट आए, क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट पे इतना कमा सकते हैं तो जीडीपी में आने का बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया की जीडीपी के भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल,
बायोटेक्नोलॉजी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्लोबली बात करें तो कुछ फिगर्स हैं सर मैं जो बताना चाहूँगी कि हम फर्स्ट सप्लायर हैं ऑफ डीपीटी बीसीजी और मीजल्स वैक्सीन्स के ग्लोबली, सेकंड प्रोड्यूसर हैं हम बीटी कॉटन के ग्लोबली, और इसके साथ ही थर्ड प्रोड्यूसर हैं रिकम्बेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स के। तो ये सारी जो उपलब्धियाँ हैं वो कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं, और शायद यही वजह है कि आज विश्व जो है भारत को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है, एक हब के रूप में देख रहा है। डॉक्टर कुलदीप, हमने अपार संभावनाओं की बात की, आशाओं की बात की, लेकिन अगर हम चुनौतियों की भी बात कर लें जो मुझे लगता है लाजमी है इस पर चर्चा करना, तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में किस तरह की चुनौतियों को आप देख रहे हैं? जी हाँ, चुनौतियाँ भी जैसे हमारे पे उपलब्धियाँ हैं तो चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हम लोग के कंट्री ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था रेगुलेटरी इश्यूज़ के ऊपर। रेगुलेटरी और एथिकल इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे डिवाइस हैं जो हम लोग के युवा नवाचार के थ्रू बना रहे हैं, वो रेगुलेटरी इश्यूज़ के अंदर वो उसका प्रगति नहीं हो पाती है। हमें रेगुलेटरी इश्यूज़ को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है, और साथ ही हमें एनकरेज करना है गवर्नमेंट को इसको कि सभी को एजुकेशन दें इसके बारे में, राइट फ्रॉम द क्लास 6 क्लास से अगर इसके बारे में लोगों को जानकारी देते रहेंगे कि केवल डिवाइस बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसके आगे जो हम रेगुलेटरी इश्यूज को भी क्रॉस करके इसको सेफ बनाएं, सुरक्षित बनाएं, जिससे कि जो आम जनता है उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये इसमें बहुत सारे हमें और कदम लेने पड़ेंगे, हमें जो लोगों की मानसिकता भी पता लगानी पड़ेगी सर्वे के थ्रू कि उन लोगों को किस तरह की जरूरतें हैं, साथ आपको हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट भी करना पड़ेगा कि क्या हमने जो सोचा है वो रियली उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हमने बनाया है नया स्टैंड बनाया है तो कितना एक्सेप्टेबल है, कितना उसकी वैल्यू है, और हम ऐसी कोई मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी बढ़ावा दें, उससे हमारी चुनौतियां कम हो जाएंगी। ये जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, मेक इन इंडिया को बनाने के लिए हमें पेटेंट लॉ, एक्सेप्टेबल इश्यूज, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। जी, डॉक्टर पांडा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और जो बातें डॉक्टर कुलदीप ने उठाई, खासकर जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं रेगुलेटरी और इथिकल इश्यूज़ की, कितना इम्पॉर्टेंट चैलेंज आप इसे मानते हैं, और इसके अलावा वो और कौन से चैलेंजेस हैं इस क्षेत्र में जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? देखिए, जो डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप ने बोला वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, इंडस्ट्री हो, कोई लाइव ऑर्गेनिज्म करे, जैसे कोई वैक्सीन बना रहे, हम उसको एक स्वस्थ आदमी को देते हैं। देखिए, जब आप आदमी बीमार पड़ता है तो दवा खाता है, लेकिन वैक्सीन हमेशा एक स्वस्थ आदमी को दिया जाता है और एक बच्चे को दिया जाता है। इसका ये कोविड को छोड़िए, इसका मतलब वो वैक्सीन पूरे 200% सेफ होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, पेंट या प्लास्टिक है, एक बैच खराब हुआ दूसरा बैच मिला के दे दो, कभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप जीवन के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन तो काम करेगा, ड्रग भी तो काम करेगा, बायोलॉजी काम करेगा, लेकिन कुछ दूसरा काम कर जाए इसके लिए आपको ये जरूरी है। दूसरा चुनौती मैं और मानता हूँ, देखिए हमारे पास साधन कम है, जो एक हकीकत है जी। हमारे पास लोग ज्यादा है, वो हमारी एक जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन हमको उसी साधन में बायोटेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूटिलाइज करके सबके लिए खाना, पानी, मेडिसिन, वैक्सीन ये देना है, ये बड़ा चुनौती है। हमको ऑप्टिमाइज करना है, और हमारे पास साधन कम है सब चीज के लिए। आप 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, सबको खाना खिलाना है, सबको पानी पिलाना है, सबको वैक्सीन देना है, सबको करना है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये बहुत बड़ा चुनौती बहुत देर तक रहेगा, जिस हिसाब से कोविड वैक्सीन हुआ, अगर हम सब मिलकर काम करें ये चुनौती भी एक दिन में बहुत सरल और हम लोग बड़ी बड़ी जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते। बिल्कुल, तो इन चुनौतियों के साथ ही डॉक्टर कुलदीप मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में भारत के पास एक बड़ा ब्रेन पावर है, लेकिन क्या इसे भी आप एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ग्लोबल बायोटेक कंपनीज जो हैं वो
अच्छे पैसे में और अच्छी सुविधाओं के साथ अप्रोच करते हैं और जो भारत की प्रतिभाएं हैं वो बाहर जा रही हैं, तो इसे किसे इस समस्या से किस तरीके से आप हम पार पा सकते हैं और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है आपकी नज़र में? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि इस समय हमारा ब्रेन ड्रेन होना बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। हमारे जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनके पास बहुत हुनर है और जितने भी मेडिकल साइंटिस्ट हैं जो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बाहर की कंट्रीज बहुत अच्छा पैकेज देके अट्रैक्ट कर लेती हैं। इसका एक ही समाधान है कि अगर हम इंडिया में वही कल्चर डेवलप कर लें जैसा कि बाहर की कंट्री वाले प्रोवाइड करते हैं। और अब ये चीज लोगों को भी समझ में आने लगी कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और इसको जस्ट अगर थोड़ा सा हम बढ़ावा दें और जिस इस तरह से जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको एनकरेज करें अपने देश में रिसर्च करने के लिए, उनको उसी कंपटीशन लेवल पे ला के उनको कंपटीटिव लेवल पे उनका एमोल्यूमेंट्स और उनकी सैलरी फिक्स की जाए और उनको और इंसेंटिव दिए जाएं जो कि बाहर के कंट्रीज में होते हैं। साथ ही हम लोग जो अभी लैबोरेटरी वर्क होता है ज़्यादातर वो पब्लिक मनी से आ रहा है, पब्लिक से हो रहा है, प्राइवेट में इसका कम है। अगर प्राइवेट कंपनीज भी जुड़ जाएं और प्राइवेट कंपनीज भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो कॉर्पोरेट जगत भी इसमें आगे आए और इसको ज़्यादा बढ़ावा दे तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये तमाम वो चुनौतियां हैं जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं वो निश्चित रूप से विश्व के पटल पर भारत को एक बड़े पायदान पर पहुंचाती हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, और खासकर जब हम बायो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, GDP में इसके योगदान की बात कर रहे हैं, तो एक सुंदर तस्वीर जो है हमें नज़र आ रही है, उत्साहवर्धक तस्वीर। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का ये जो क्षेत्र है, भारत का जो $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है उसे पाने में अपनी भूमिका निभाने वाले जो कारक हैं उनमें प्रमुख कारक के रूप में ये उभर रहा है। हमारे स्टार्टअप्स, युवा पेशेवर, नवोन्मेषक, विचारक और वैज्ञानिक दुनिया भर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत के विकास में सबसे आगे होंगे और एक बेहतर भविष्य इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।